ढाई लाख से अधिक जमा राशि का हिसाब नहीं मिला तो लगेगा कर और जुर्माना। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक हर डिपॉजिट पर नजर, छोटे कारोबारियों, गृहिणियों, कलाकारों व कामगारों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। 500 और 1000 रुपए के नोटों की अदला बदली के लिए भरना होगा एक आसान फॉर्म। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को इस बारे में एक प्रारूप उपलब्ध करवाया है। कम से कम समय में नोट बदलने के लिए उठाया गया ये कदम, नए नोटों की है पर्याप्त व्यवस्था। अतिरिक्त मात्रा में कैश वैन 24 घंटे करेंगी काम, एटीएम में पैसों की नहीं होगी कोई कमी। आरबीआई ने जारी किए दिशा निर्देश, बैंकों ने बैंकिंग घंटे बढ़ाने, एटीएम शुल्क समाप्त करने और ऋण सीमा बढ़ाने सहित कई उपायों की भी घोषणा की, जिससे कि 500 और 1000 रुपयों के नोटों को लौटाने वाली भीड़ से निपटा जा सके। और 500 और 1000 का नोट बंद करने के फैसले से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को मिलेगा प्रोत्साहन। आईटी उद्योगों के संगठन नैसकॉम ने कहा कि देश में अभी ई भुगतान का चलन सीमित है, लेकिन इस फैसले से डिजिटल भुगतान को मिलेगा बल। मोबाइल वॉलेट के जरिए कल की अगर ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो उनमें करीबन 500% की बढ़त देखी गई।